जमालिस्तानी हल्का ख्वातीन ने भी यकुम मार्च को इस बात का ऐलान किया था कि पूरे मुल्क के अंदर योम ख्वातीन पर प्रोग्राम्स किए जाएंगे, तो आज यहाँ पर प्रेस क्लब पे ख्वातीन की बात मुनक्कद की गई है। मैं इन ख्वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस धूप और गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रही हैं। इस बात से जहाँ हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची खिताब करने के लिए मौजूद हैं, वहीं पर जमात इस्लामी हलका ख्वातीन के जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में ख्वातीन को स्वागत के लिए निकाला है और वो अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आई हैं और अपने मुतालबात कर रही हैं। उनके मुतालबात उनके बैनर से आया है, उनके जज्बात से आया है कि वो इस मुल्क में क्या चाहती हैं, किस तरह इंतजाम चाहती हैं। मैं मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची दरख्वास्त करता हूँ इस मौके में खिताब करें। जमात इस्लामी कराची हल्का ख्वातीन की जिम्मेदारान मोहतरमा रफशंदा मुनीब साहिबा, नाज़म सूबा सिंध मोहतरमा अस्मा सफ़ीर साहिबा, नाज़म कराची, और आज इस ख्वातीन वार्ड में शरीक होने वाली मेरी बहनों माओ बेटियों, आज पूरी दुनिया में ख्वातीन का दिन मनाया जा रहा है और ख्वातीन के हुकूक के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स हो रहे हैं, वॉक्स हो रही हैं और सरगर्मियां मुनक्किद की जा रही हैं। हर दिन खातून का दिन होता है इसलिए कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और चूंकि हम जिस माशरे में रहते हैं और हमारे मुल्क का जो आइन है और दस्तूर है उसमें इस्लाम को एक बुनियादी कलीदी रोल मिला हुआ है, किरदार उसका है, तो हमारे दीन में तो खातून की हैसियत दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की हैसियत है। एक बच्ची जो पैदा होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वालिदैन के लिए जन्नत में जाने का सबब बताया है, और जो एक बच्ची या दो बच्चियां या तीन बच्चियां उनकी तरबियत करे, तालीम दे, अच्छा भर दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की बशारत दी है। कल मियांवाली में जो वाकया पेश आया है वो पूरी दुनिया में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और दाग है, और हमने देखा कि पाकिस्तान के जो आईनी तौर पर दस्तूरी तौर पर जिसमें इस्लाम के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा सकता, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती है और कुरान वाज़े तौर पर औरतों के तमाम हुकूक का ज़ामिन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इज्जत दी, मकाम दिया, उसको बड़ा दर्जा दिया, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसे शकीउल कल्ब लोग भी मौजूद हैं कि एक बाप ने अपनी 6-7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मारकर शहीद कर दिया, और बजा तौर से ये बच्ची सवाल करेगी कि वह इज़ल मौजूदत सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, लेकिन ये सवाल उसका अपने उस शकीउल कल्ब बाप से भी होगा, लेकिन उस हुकूमत से और रियासत से भी होगा कि जो 74 साल गुजरने के बावजूद अपने रहने वालों को ये नहीं सिखा सकी है कि किसी इंसान की जान लेना ही कितना बड़ा गुनाह है, कुजा ये कि मासूम बच्ची, चीर ख्वार बच्ची को, अपनी ही बच्ची को कोई गोलियां मार दे। ये तो 1400 साल पहले अरब के जिस माशरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाए गए थे वहां होता था, और उस जाहिलाना रस्म को खत्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बच्चियों को जन्नत का जामिन बनाया था। लेकिन पाकिस्तान जैसी ममलिका जिसमें हुक्मरान ये कहते भी हैं कि हम मदीना जैसे इस्लामी रियासत बनाएंगे और वहां पर यह सूरत हाल हो, मैं आज इस ख्वातीन वॉक में आलमी योम ख्वातीन के मौके पर यह मुतालबा कर रहा हूं कि उस शकीउल कल्ब फर्द को जिसने अपनी बच्ची को गोलियां मारी हैं उसको सरेआम फांसी दी जाए ताकि आइंदा किसी को भी यह जुर्रत ना हो सके। फांसी की सजा पाकिस्तान के आइन और कानून और ताज़ीरात पाकिस्तान में मौजूद है,
बाद लोग मगरिब को खुश करने के लिए इस सजा को खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि खवातीन के जो तशद्दुद का निशाना बनती हैं, बच्चे जो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनते हैं कत्ल कर दिए जाते हैं, बच्चियां कत्ल कर दी जाती हैं। लेकिन उनके खिलाफ जब पार्लियामेंट में ये बात सामने आती है कि ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, तो क्या पीटीआई, क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी, क्या एमक्यूएम और एनपी, ये सारी पार्टियां इन जालिमों के साथ आकर खड़ी हो जाती हैं और फांसी की सजा को खत्म करने की बात करते हैं। खुद हमारे हुकूमत ने पिछले दिनों जो कानून साजी की, उसने इस तरह के वाकयात को रोकने के बजाय एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया था कि बैक वक्त मगरिब को खुश भी करें, अपने आकाओं को खुश भी करें और लोगों को डिट्रैक भी कर दें। मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम वाकयात जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती होती है, जिसमें खवातीन के साथ ज्यादती होती है और जिसमें बच्चों को कत्ल किया जाता है, इन सब वाकयात के जो मुजरिम हैं उन पर तेज रफ्तार कोर्ट्स के जरिए से मुकदमा चलकर उनको फांसियां मिलनी चाहिए और ये फांसियां भी अब हमारे यहां कानून साजी होनी चाहिए कि चौकों और चौराहों पर इनको लटकाया जाएगा। तो हो सकता है इसके नतीजे में मजीद जो जालिम है और शकीउल कल्ब है उनको इबरत हासिल हो। इस्लामिक सोसाइटी और उसका जो निजाम पहले लोगों की तरबियत करता है, उनको सहूलतें फराहम करता है और फिर भी अगर कोई मुजरिम हो तो सजाओं का निजाम भी मौजूद है। एक तरफ औरतों के हुकूक की बात भी की जाए और दूसरी तरफ जालिमों और कातिलों की सरपरस्ती भी की जाए, यह दोहरी और यह मुनाफिकत वाला काम उन लोगों को खत्म करना चाहिए जो बज़ाहिर बहुत औरत को बाइख्तियार करने की बात करते हैं, जो बज़ाहिर एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हकीकत में औरतों और बच्चों के खिलाफ जालिमों को सपोर्ट फराहम करते हैं। हम ये देखते हैं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, 74 साल से बना हुआ यह मुल्क है, लेकिन यहां पर औरतों को बुनियादी सहूलत हासिल नहीं है। मुझे बताएं कि इस शहर कराची में कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिनको बाइज्जत ट्रांसपोर्ट मिली हुई है। यूनिवर्सिटियों की जो ट्रांसपोर्ट का निजाम था, 125 बसें तो सिर्फ 8 से 20-25 साल पहले KTC की कराची यूनिवर्सिटी से चला करती थी। आज आप ट्रांसपोर्ट का निजाम देख लीजिए, हमारी माएं बहने भी, उनको भी ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, वो भी धक्के खाती फिरती हैं और जो हमारी बच्चियां हैं, तालिबात हैं, उनके लिए भी ट्रांसपोर्ट का निजाम मौजूद नहीं है। ये पूरे सूबा सिंध की हुकूमत, जो अपने आप को बहुत इनलाइटेंड और बहुत रोशन ख्याल हुकूमत साबित करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए जाहिर इकदाम तो करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 49,000 स्कूलों में से पूरे सिंध में कितने स्कूल, वैसे ही तकरीबन 20% स्कूल तालिबात के हैं और उसमें भी सूरत हाल ये है कि वो घोष स्कूल बने हुए हैं, वडेरों की औताते बने हुए हैं। इन बच्चियों को अगर तालीम नहीं मिल रही तो इन्हीं नाम नेहाद रोशन ख्यालों के की वजह से नहीं मिल रही है। जो रोशन ख्याल नहीं है, ये वडेरा शाही मिजाज रखने वाले लोग हैं, ये ताकत के जरिए से विराजमान होते हैं और हमारे बच्चे बच्चियों को इन्होंने तालीम से महरूम किया हुआ है। जब तक उस तबके से हम जान नहीं छुड़ाएंगे कि जो हमारे सरों पर मुसल्लत है, ये ब्यूरोक्रेट है, ये वजीर और मुशीर है, ये MNAs MPAs हैं, ये अपनी अक्सरियत का दावा करते हैं, लेकिन ये सारे लोग अपने गांव में लोगों को तालीम नहीं देते, ये अपने गांव में लोगों की औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते, ये उनको विरासत में हक नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान में कितना औरतों को विरासत में हक मिलता है। मैं मुतालबा करता हूं कि ऐसे तमाम नुमाइंदे, चाहे वो MNA हो, MPA हो, सेनेटर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर और सदर ही क्यों ना हो, वजीर आला और गवर्नर ही क्यों ना हो, और चाहे वो कहीं के मेयर या काउंसलर क्यों ना हो, और चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो, और चाहे वो फौज के जनरल ही क्यों ना हो, अगर इनमें से कोई भी अगर अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और खवातीन को विरासत में हक नहीं देता, तो इनको इनके ओहदे से माजूल करने का कानून पास किया जाए, ताकि हमारे सरों से ये लोग हट जाएं जो बजाहिर तो नारे लगाकर वल्गरिटी तो फैलाना चाहते हैं लेकिन औरत को उसका जायज मुकाम नहीं देना चाहते। अगर फौज में भी इस तरह का काम हो, ब्यूरोक्रेसी में भी हो और सियासी सतह पर भी हो, ये सारे लोग नाअहल करार पाए जाए, इन पर दफा 62-63 का इतलाक किया जाए, तो खुद ब खुद लोगों को
विरासत में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा और हमारी औरतें भी एम्पावर होना शुरू हो जाएंगी। मैं मुतालबा करता हूँ कि तालीम के निजाम को दुरुस्त करके हमारी बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए, विरासत में उनको हक दिया जाए और इसी तरह से महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम की जाए। इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला सेहत का मसला है। मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं, तकरीबन 70-80% खवातीन ऐसी हैं जिनको बुनियादी हेल्थ की सहूलतें पाकिस्तान में दस्तियाब नहीं है। कराची जैसे शहर के अंदर सेहत की सारी सहूलत खरीदनी पड़ती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सारे ही इदारे चल रहे होते हैं, नहीं मालूम होता कि कोई प्रॉपर निजाम ऐसा मौजूद हो कि जिसके जरिए से खवातीन की सेहत को जो है वो फ्री किया जाए और कोर्ट को पूरे तरीके से क्वालिटी उनको जो है वो इलाज की सहूलत मिले। लेकिन सारा लूटमार का निजाम है और ऐसे में हुकूमती सतह पर प्राइवेट इदारों को इनकरेज किया जाता है, सरकार के इदारों को तबाह किया जा रहा है। 170 अरब रुपए के तहत 173 अरब रुपए के सेहत के बजट में आज हमारी तहरी खातून भी बर्बाद है कि उसके पास इलाज की सहूलत नहीं है और शहरों के अंदर भी यही सूरत हाल है। इलाज तुम नहीं देते, तालीम तुम नहीं देते, विरासत में हक तुम नहीं देते, ट्रांसपोर्ट का महफूज निजाम तुम नहीं देते, तुम अमन नहीं देते। हमारी माएं बहनों को रोज जो है वो डकैत लूटते हैं और तहफ्फुज भी फराहम नहीं किया जा रहा। ये हुकूमत और रियासत कहां है जहां तालीम भी हम खरीदें, जहां सेहत भी हम खरीदें, जहां अमन भी हम खरीदें, जहां पानी भी हम खरीदें, जहां रोजगार भी हम खरीदें। पूरे सूबा सिंध की 90-95% आबादी में पीने का साफ पानी नहीं है। ये माएं हैं हमारी जो परवान चढ़ रही हैं, इनको शदीद रिजाई किल्लत का जो है वह सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल में हुकूमत में शामिल ये लोग सिर्फ अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए 4 सेमिनार कर लेंगे, इवेंट कर लेंगे, नाम लिहाज इनलाइटेंड चेहरा अपना दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत में ये पूरा तबका औरतों का दुश्मन है, बच्चियों का दुश्मन है, अवाम का दुश्मन है और लोगों को उनके हक से महरूम कर रहा है। जमात इस्लामी खवातीन को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। पूरी 15 दिन की ये कैंपेन चला रहे हैं, पूरा महीना मार्च का उन्होंने औरतों के नाम किया है। जमात इस्लामी पूरी तरह से इनके तमाम चार्टर और मुतालबात के साथ है। ये हर दिल की आवाज है कि खातून को एम्पावर भी होना चाहिए और उसकी तरबियत का निजाम भी होना चाहिए, तालीम के सेवर से आरास्ता भी होना चाहिए। कौम की तरफ से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिसको अब तकरीबन 2 अशरे होने वाले हैं, उसको अमरीका के हवाले किया गया था। मुशर्रफ ने कौम की इस बेटी को बेचा था। आलमी योम खवातीन के इस मौके पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जिन लोगों ने इसको कैद करवाया गया उनकी सजाओं का तायुन भी होना चाहिए। जिसने हमारी बेटी को बेचा था उनको कैफर किरदार तक भी पहुंचना चाहिए। और नून लीग की हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने, ये तीनों हुकूमतें विफाक के अंदर मौजूद रहीं, इन तीनों हुकूमतों ने अवाम को धोखा दिया और आफिया सिद्दीकी को वापस लाने के लिए कोई काम नहीं किया। मैं मुतालबा करता हूं कि इन सारे लोगों को भी बेनकाब किया जाए और ये बताया जाए कि वो कौन सी रुकावट है जिसकी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमरीका से वापस नहीं आ सकती। हमारी इत्तलात यह है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अमरीकी हुकूमत उन्हें देने के लिए तैयार थी लेकिन पाकिस्तान में कोई हुकूमत उन्हें उसे लेने के लिए तैयार नहीं थी। ये काबिले शर्म मुकाम है और मैं मुतालबा करता हूँ कि खासतौर पर आज योमे खवातीन के मौके पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाया जाए और अमरीकी कैद से छुड़ाया जाए।